नमस्कार मित्रों, घर में यदि किसी भी प्रकार की उठा पटक चल रही हैं तो दो तरह की चीजें हो सकती हैं। पहला यह है कि कोई भूत प्रेत हो या फिर कोई दूसरा अन्य किसी भी प्रकार के जो है दानव शक्ति या फिर नकारात्मक शक्ति। यदि दोनों में से कोई भी एक घर में प्रवेश कर जाती है तो घर में रहने वाले सभी सदस्यों का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। सवाल यह है कि कैसे जाने कि घर में भूत है या नहीं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन तरीका बताऊंगा। तीन तरीका में से कोई भी एक तरीके से घर में भूत है यानी इसका बहुत आसानी से पता कर सकती है, फिर घर में किसी भी प्रकार के बड़े नकारात्मक शक्ति है इसे भी घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो मित्रों, हम इसके कुछ लक्षण बता रहे हैं। पहला यह है कि नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत होते हैं तो घर का वातावरण बदल जाता है। शीतल और शांत वातावरण गर्म और भयानक लगने लगता है। दूसरा यह है कि घर का हर सदस्य एक दूसरे से झगड़ने लगता है या वह बात बात पर क्रोध करता है। कोई किसी से प्रेम पूर्वक जो है वार्तालाप नहीं करता, बातचीत नहीं करता। तीसरा यह है कि अकारण ही कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ने लगता है, दवा जो है कभी पीछा नहीं छोड़ता। चौथा यह है कि आपके या घर के किसी सदस्य के मन में आत्महत्या करने का जैसे बहुत ही खराब विचार आने लगता है। पांचवा घर में रात को सोते समय हमेशा डर लगा रहता है, नींद भी ठीक से नहीं आती। छठवा, अगर घर में घुसते ही अच्छा नहीं लगता तो किसी भी सदस्य का घर में रहने का मन नहीं लगता, इसे भी पता कर सकते हैं घर में आपके भूत प्रेत हैं। किसी न किसी उपकरण में खराबी आती है घर में भूत होने पर, या फिर घर के जो बच्चे की पढ़ाई से मन उचड़ जाता है तथा वे चिड़चिड़े या जिद्दी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि सुख शांति और समृद्धि सभी चीज चली जाती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज मैं आप लोगों को तीन उपाय बता रहा हूँ। तीन उपाय में से आप पता कर सकते हैं आपके घर में भूत है या नहीं। पहला उपाय मित्रों, पहला उपाय आपको लेना सादे पानी लेकर के पूरे घर में घूमना है और घूमने के बाद इस सादे पानी में आपको छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा डाल देना। अगर घर में भूत प्रेत हो तो सादे पानी को रख करके घूमते तो सादे पानी के कलर चेंज हो जाएंगे और फिटकरी डालने के बाद भी वो सादे पानी पूरी तरह से साफ नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता, तो आपके घर में बिल्कुल ही भूत प्रेत है। दूसरा तरीका, चुटकी भर आपको चूने लेना है, खाने के चूने लेना है और इसे एक गिलास पानी में घोल करके पूरी तरह से घर में घूमना है। भूत होने पर जो चूना का कलर वास्तव में व्हाइट होता है, ये व्हाइट कलर को छोड़ करके मटमैला हल्का से लाल कलर की हो जाते हैं, तो इसे भी बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके घर में भूत है। 101% सफल तरीका। तीसरा तरीका, आपको दूध लेना है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप जो है कटोरी में या फिर दिए में रख देना और इसे पूरे अपने घर के आपको लगता है जिस स्थान में भूत है सभी स्थान पर रख देना। अगर वास्तव में उस जगह पर भूत रहेंगे तो जो गर्म दूध होता है ये फट जाता है। तो ये तीन तरीका, तीनों तरीके में से कोई भी एक तरीके से घर में भूत है या नहीं ये पता कर सकते हैं। उपाय बता रहा हूं, तो हनुमान मंदिर से नारियल ला करके घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में राम लिख करके बांध देना। मित्र, पूर्ण रूप से आपका घर का बंधन हो जाएंगे और भूत प्रेत वहां से भाग जाएंगे। और एक उपाय और करना, जो हनुमान जी महाराज के बाएं भुजा का सिंदूर होता है इसे ले आना, कोई भी पंडित दे देंगे और इसे पानी में घोल करके इसके पूरे छींटे घर में मार देना। ये भूत भगाने का 101% सफल तरीका है। न तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है, न बैगा न ओझा के पास जाने की जरूरत है। आप स्वयं इन उपाय को अपना करके भूत से छुटकारा पा सकते, अपने घरों का बंधन और स्वयं आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।